का रोड नहीं है। पुलिस आएगी। कल का एक्सीडेंट कैसा हुआ था? खाना आ गया हमारा। कैसा लग रहा है तमिलनाडु में पहली बार आके? बोल दिया क्या ले रही है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हमारे एक नए न्यू ईयर ट्रिप की शुरुआत हो रही है। हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं केरला। हम लोग जा रहे हैं केरला। बहुत ही एक्साइटिंग ये सफर होने वाला है, तो चलें। पापा सबसे पहले 4 बजे रेडी हो गए थे और उन्होंने सबका सामान भी लगा दिया है। हमारी सवारी आ गई है अभी और सामान हम लोगों ने चढ़ा दिया है ऊपर। अभी हम लोग रुक गए हैं सरवना भवन में, जिसके ब्रांचेस लंदन वगैरह सब जगह हैं। पापा को खिलाएंगे डोसा वोसा। खाना आ गया हमारा, सबने मंगाई है डोसा और पापा ने स्पेशली मंगाई है पूड़ी और सागू। पापा, सागू कैसा लगा आपको? दोनों चीज़ बढ़िया कह रहे हैं पापा, दोनों चीज़ बढ़िया है, एक नंबर की। दोस्तों सामने कावेरी रिवर है, ये देखिए। इसी को लेकर कर्नाटका और तमिलनाडु में हमेशा बहस छिड़ी रहती है। कॉमन टॉयलेट है, पापा बोल रहे कि कॉमन है तो सीएनजी भी होगा। और 6 घंटे के सफर के बाद पार्टी अभी रुकी है वॉशरूम ब्रेक के लिए पेट्रोल पंप पे। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं इरोदे करके एक जगह है, कोयम्बतूर से 2 घंटे की दूरी पे। बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है थोड़ा, जैसे कि जब दिसंबर का महीना चल रहा है तो सोचिए गर्मी में कैसी गर्मी होती होगी यहाँ पे। कैसा लग रहा है तमिलनाडु में पहली बार आके? अच्छा लग रहा है। क्या डिफरेंट लगा आपको? यहाँ पे हिंदी तो किसी को समझ आएगी नहीं और इंग्लिश भी नहीं आ रही है, तो हम एक्शंस में सबसे बात कर रहे हैं। मौसम और मौसम तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है। दोस्तों गरिमा को एक टास्क दिया है अभी कि एक ऑर्डर करना है उसको सक्सेसफुली, देखते हूँ कर पाती है कि नहीं। बोल दिया क्या ले रही है? टीलो। टीलो टीलो स्प्राइट है बट उसका नाम टीलो है शायद। सक्सेसफुल ऑर्डर का मिशन पास करते हुए यहाँ पे गरिमा। दोस्तों अभी हम लोग को 5-6 घंटे और लगने वाले हैं और पापा बोल रहे हैं कि अब ये आगे नहीं जा सकते, ये तिरुसू शहर है, यहीं पे बस जाएंगे अब और आराम करें। पंप पे ही रहेंगे कह रहे हैं, गद्दा लगा दो। दोस्तों अभी हम लोग केरला में घुस गए हैं और सबसे पहली जगह खाने आए हैं जिसका नाम है 5-स्टार गार्डन रेस्टोरेंट। कुछ गार्डन वगैरह का सीन है, देखते हैं यहाँ पे खाना कैसा है। मेन्यू में क्या क्या है गरिमा? इंडियन ब्रेड्स में तंदूरी रोटी, बटर रोटी, प्लेन नान, कश्मीरी। अरे वाह वाह। और हम लोग हैं कहाँ पे अभी? केरला में। यस। केरला में क्या क्या खाने को? पनीर बटर मसाला, मिक्स वेज करी। इतना दूर भी नहीं। गाइस हमारी आ गई है मोहितो ड्रिंक, जो कि कुछ ब्लू ब्लू मोहितोज हैं, सब पी रहे हैं और अंकुर मुंह देख रहा है। तो गाइस अभी खा लिया है, पूछते हैं कैसा लगा खाना। बहुत ही अच्छा था, फिश जो थी एकदम सॉफ्ट थी, मजा आ गया। पापा कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया। गरिमा गुड मील। चले अब चलते हैं आगे कोची की तरफ। दोस्तों उगते सूरज से अब डूबते सूरज तक हम लोग आ गए, लेकिन अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं अपनी मंजिल पे। अभी मंजिल पे पहुंच नहीं पाए हैं, पापा की हालत खराब हो रखी है। अभी सिटी में घुस गए हैं, पूरा जाम ही जाम है। और ये देखिए कोचिन मेट्रो, ये मिल गई हम लोगों को। अरे बाप रे, गाड़ी ब्रेक मार दिया। आपका गलती नहीं तो मैं दूसरा गाड़ी कहाँ पर एडजस्ट करना। अब गैस से डालना पड़ेगा तो आराम से आना पड़ेगा। ये सिटी है सही है नहीं है? सिटी का रोड नहीं है, पुलिस आएगी तो पूरी गाड़ी फट गई हम लोग। तुम्हें क्या दोस्तों बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ अभी हमारे साथ, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हमारी कोई भी गलती नहीं थी, अचानक सामने वाले ने ब्रेक मारा और हमारी गाड़ी ने फिर ब्रेक मारा बचाने के लिए और पीछे वाला बाइक सीधे आके घुस गया। बहुत मेजर एक्सीडेंट तो नहीं था, बम्पर जो अंदर घुस गया और क्लिप्स आपने कुछ देखी होंगी, मैं डिटेल में इसका आपको बताऊंगा। बट अभी लगभग 14 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं रुकते रुकाते हुए अपने एयरबीएनबी। एक छोटा सा टूर देते हैं आपको कैसा है। ये है मेन गेट और सामने से कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए बड़ा सा घर है। ये पूरा पूरा घर हमारे ही है। यहाँ पे एक आम का पेड़ है, सुबह अच्छे से दिखाई देगा। और यहाँ पे सजावटें हैं, काफ़ी सुंदर पोटरी को है। अंदर चलिए रूम दिखाते हैं।
घुसते ये सीटिंग एरिया आपको मिल जाता है, यहाँ पे है डाइनिंग टेबल आपका, ये है रूम नंबर वन, और हर रूम में अटैच्ड वॉशरूम्स हैं। ये है पूरा फुली फंक्शनल किचन, अगर आपको कुछ बनाना है तो सब कुछ आप बना सकते हैं, सारी चीज़ें भी रखी है, माइक्रोवेव फ्रिज सब कुछ है यहाँ पे। ये है पहला रूम, यहाँ पापा अभिषेक रहने वाले हैं। ये है दूसरा रूम, ये ड्राइवर भी आपको हम लोगों ने दे दिया क्योंकि चार रूम्स थे एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो अभी वो आराम कर रहे हैं इसमें। इस रूम में मैं और तृप्ति रहने वाले हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग आ चुके हैं, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के, आयरन वगैरह का भी इंतजाम दिया, आयरन टेबल दिया मैंने, और बगल में गरिमा है, यहाँ पे गरिमा रहने वाली है। तो और टेरेस भी है ऊपर जाके कल दिखाएंगे आपको, यहाँ पे ये बालकनीज हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया है, और इस पूरी प्रॉपर्टी का हम लोग दो रातों का सिर्फ पे कर रहे हैं लगभग 7,000 रुपीज़, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है मेरे हिसाब से। दोस्तों ये देखिए कल का एक्सीडेंट कैसा हुआ था, ये पूरा इसमें मार के स्प्लेंडर वाला अंदर घुस गया, पूरा बम्पर कट गया है, और अब इसको पूरा भैया कह रहे हैं कि रिपेयर करवाना पड़ेगा। कल रात का सीन ये हुआ दोस्तों कि हम लोग आके सो गए थे, सब बहुत थक गए थे, कहीं जा नहीं पाए। गाड़ी का ये था कि आइडली जो वो लोग थे, दो लोग बाइक वाले स्टूडेंट्स ही थे लोकल, उनको कुछ तो कॉम्पेंसेशन देना चाहिए था, बट फिर वो लोग अड़ गए कि नहीं पुलिस स्टेशन चलते हैं। हम लोगों ने पहले तो कहा कि चलते हैं, लेकिन बाद में डिसाइड किया कि नहीं चलेंगे, क्योंकि लोकल पुलिस स्टेशन में हम लोगों को लैंग्वेज बैरियर हो जाता बहुत ज़्यादा, और उनका ही मोस्टली सपोर्ट होता, प्लस हमारा टाइम भी वेस्ट होता, और शायद कुछ कॉम्पेंसेशन लेने के बजाय कुछ और देना ही पड़ जाता। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं लेंगे। हालांकि हमारे ड्राइवर की कोई भी गलती नहीं थी, सामने वाले गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारा, उन्होंने शायद किसी पेडेस्ट्रियन को बचाने के लिए मारा, इन्होंने भी फिर अचानक मारा, और पीछे वाले ये लोग जो हैं उन्होंने टाइम पर ब्रेक नहीं मारा, वो लोग स्पीड में चल रहे होंगे, सीधे लाके घुसा दिया, और जैसा कि आपने देखा। तो हालांकि बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं था, बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। सफ़र में ये सब उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे, अगर कुछ हो सकेगा तो कॉम्पेंसेशन देखेंगे, अगर हेल्प कर सकते हैं इनकी तो, ताकि ड्राइवर का ना लगे। ये घर देखिए कितने प्यारे सजे हुए हैं। तो इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं अभी शैम्पू लेने के लिए, क्योंकि तृप्ति के पास शैम्पू नहीं है। एयरबीएनबी रहने का ये फ़ायदा होता है कि आपको लोकल ऐसे मोहल्लों घर में रहने का मौका मिलता है, जो कि होटल में आपको एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा। तृप्ति अभी एक लोकल से शॉप पर शैम्पू लेने के लिए आई है। ये देखिए शॉप कुछ ऐसी दिखती है। शैम्पू तो मिल गया दोस्तों, बट अम्मा जो थी अक्का वो नहीं एक्सेप्ट कर रही थी UPI। छोटी सी शॉप है, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। कुछ कैश हम लोग को लेकर चलना चाहिए था। अब वापस जा रहे हैं 100 मीटर से, फिर कैश लेके आएंगे वापस।